इंसान को अजर व सवाब और उसकी जजा भी नीयत के एतबार से और अक्ल के मुताबिक दिया जाता है। बहरहाल नीयत के बाद नौबत आती है क़ियाम की। चूँकि तफ़सील बहस के हवाले से तो हम दूसरे रुकन को तकबीरतुल एहराम के हवाले से गुफ्तगू करें। तकबीरतुल एहराम वो तकबीर जो नीयत के फौरन बाद की जाती अदा की जाती है। ये अरकान नमाज में से है और अरकान नमाज में भी रुकन में से है। रुकन नमाज का वो हिस्सा है आमदन या सहवन इंसान छोड़ देता है तो नमाज बाकी है। उन्हीं में से एक तकबीरतुल एहराम, चाहे आप भूल कर छोड़ें चाहे जानबूझ कर छोड़ें, इससे नमाज बाकी है। अच्छा, तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना, इसे तकबीर कहते हैं। क्या मालूम है किसी को कि 2 रकात नमाज इंसान सुबह की पढ़ता है तो वाजिब और मुस्तहब तकबीरें कितनी हैं 2 रकात नमाज में, कोई बता सकता है? कुल मिला के तकबीरें 2 रकात नमाज में कितनी हैं? तकरीबन 14 तकबीरें होती हैं 2 रकात में मुस्तहब तकबीरों के साथ। पता नहीं कितनी नमाजें हमने पढ़ ली, शायद कभी इस मसले पर हमने गौर नहीं किया है, है ना। आप भी एक बार पढ़ के देखिए मुस्तहब तकबीरों के साथ, अगर कमो बेश हुई तो मुझे बताइए ताकि फिर मैं इसकी इसलाह कर लूँ, दूसरों को भी इस बात का इल्म हो जाए। अच्छा, तकबीरतुल एहराम, गर्चे हमने इशारा किया कि हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है कि अहकाम बयान करें, लेकिन बीच बीच में एक दो बातें आ जाती हैं जो जायज़ हैं, उनकी तरफ इशारा करना ज़रूरी होता है। तो तकबीरतुल एहराम में कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं और कुछ मकरूह भी हैं, हत्ता हराम भी चीज़ें हैं। तकबीरतुल एहराम में जब इंसान नियत करके हाथों को उठाता है तो हाथों को उठाते वक्त उंगलियों का जुड़ा रहना मुस्तहब है, जैसे ये इस अंदाज में, ना कि ये बल्कि इस अंदाज में इंसान के हाथ जुड़े रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। कहाँ तक तकबीरतुल एहराम के वक्त इंसान रफ़ुल यदैन यानी हाथों को बुलंद करे तो मुस्तहब, ये कान की नरम जगह जो है, ये हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में लोल की बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, वहाँ तक जो है मुस्तहब है कि आदमी हाथों को बुलंद करे। अगर कान के ऊपर कोई लेकर जा रहा है तो अक्सर फुकहा के नज़दीक मकरूह है, कुछ लोगों के नज़दीक हराम भी है। जैसे मैंने यहाँ एक एड्रेस नोट किया है, किताब जवाहिरुल कलाम शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी, जिल्द नंबर 9 पेज नंबर 232, है ना। ये भी बहुत बड़े शेख मुर्तुजा अंसारी के भी उस्ताद हैं, ये शेख हसन नजफ़ी बहुत बड़े मर्जा और बहुत बड़े आलिम दीन व फ़कीह मुज्तहिद। तो इनके नज़दीक जायज़ नहीं है कि इंसान कानों के ऊपर हाथ को लेकर जाए। अगर कोई इंसान बिल्कुल कान तक नहीं तो अक्सर फुकहा का नज़रिया है कि मनहर यानी नहर करने की जगह, मतलब नहर कहाँ किया जाता है, गर्दन और गला जो उसका हिस्सा होता है, कानों के नीचे भी अगर ये लेकर जाता है तब भी काफ़ी है, नमाज उसकी सही है। बहरहाल ये बातें ज़ेहन में आई थी तो बयान कर देना ज़रूरी था। अच्छा, अब फलसफे तकबीरतुल एहराम क्या है, क्यों इंसान ये तकबीर कहेगा, इसका मतलब क्या है? तकबीर जैसा कि हमने इशारा किया अल्लाह अकबर कहना, एहराम यानी ऐसी तकबीर
उस तकबीर के बाद जो चीजें नमाज से पहले इंसान के लिए हलाल थी अब हराम हो जाएगी। क्या मतलब? अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस वक्त मैं पानी पीऊँ तो मेरे लिए हलाल है, जायज़ है। मैं खाना खाऊँ मेरे लिए सही है, चॉकलेट खाऊँ या अतीफ भाई की बनी हुई चाय पी लूँ मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने नियत बांध ली तो अब वही खाना पीना जो मेरे लिए हलाल था नमाज की हालत में हराम हो जाए, है ना। तो ये क्या है इसका? तकबीरतुल एहराम, यानी बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए हज में भी जो इंसान जाता है लिबास एहराम कहा जाता है, यानी वो लिबास पहन लेने के बाद कम से कम 24 चीज़ें जो आम मुसलमान के लिए हलाल हैं वो हाजी के लिए हराम है। जैसे खुशबू लगाना भी उसमें शामिल है। हम और आप बेहतरीन से बेहतरीन सेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई लिबास एहराम बांध लेता है तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है, सही नहीं है। 24 चीज़ें जो एक आम मुसलमान के लिए है ना हलाल है वो हाजी के लिए हराम हो जाती है। तो तकबीरतुल एहराम का मतलब ये है कि अब हम नमाज में आ चुके हैं खुदा से मुलाकात करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को हम सही हराम मान के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। अखलास ने भी बयान किया है रिवायात के ज़ैल में कि इंसान जब तकबीरतुल एहराम के लिए हाथों को बुलंद करता है तो इसका मतलब जो कुछ दुनिया वगैरह सब उसके हाथ में है उसे पुश्ते सर कर देता है, यानी उठा के दुनिया को वो फेंक देता है। सिर्फ और सिर्फ वो है उसका खुदा है, ये मतलब है तकबीरतुल एहराम का। रिवायत है किसी ने मौला मुत्तकियान अमीर बयान हजरत अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद से किसी ने सवाल किया कि या अमीर अल मोमिनीन, इंसान जो तकबीरतुल एहराम कहता है और हाथों को बुलंद करता है उसका फलसफा क्या है, तकबीरतुल एहराम का मतलब क्या है? तो आप जवाब में फरमाते हैं कि मतलब ये है कि खुदा इंसान इस बात का एतराफ करे कि खुदा ही सबसे बुजुर्ग है, इंसान इस बात का एतराफ करे कि खुदा अकेला है, उसका कोई मिस्ल नहीं है, ना उसका सानी है, ना शरीक है, ना उसका मिस्ल है, सही, ये एतराफ करे इंसान। और खुदा के साथ कियास ना करे, यानी खुदा काबिले कंपैरिजन नहीं है, किसी भी चीज़ से खुदा का मुकायसा नहीं होता। तकबीरतुल एहराम का एक मतलब ये भी है। और इंसान हाथों को बुलंद करता है तो हाथ जो है हवा से ज़ाहिरिया में से है, यानी मिसाल के तौर पर हम एक कपड़े को, ये काटन का है, कैटगट का है, सिल्क का है, कौन सा है, हाथों के जरिए से, उंगलों के जरिए से हम छू के उसे देख लेते हैं, ये किसी चीज़ के गर्म या ठंडा होने को हम महसूस करते हैं। तो ये हाथों को ऊपर उठाता है इंसान, तो मौला मुत्तकियान बयान करते हैं कि खुदा हवास से ज़ाहरी के ज़रिए से लम्स करने वाली चीज़ नहीं है, यानी खुदा को हम टच नहीं कर सकते अपने ज़ाहरी जिस्म के ज़रिए से। हाँ, बातिनी तौर पर हम खुदा से करीब हो सकते हैं, खुदा भी हमसे बहुत करीब है, जैसा कि कुरान मजीद में खुदा तआला इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, यानी इंसान की शहर रग से भी ज़्यादा हम इंसान के करीब हैं, है ना। तो ये बातिनी एक राबता है, सही। तो ये तकबीरतुल एहराम के कुछ फ़लसफ़े हैं जो मौला मुत्तकियान ने बयान किया। अच्छा, अब तकबीरतुल एहराम इंसान कहता है तो ये पूरा चैलेंज है खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार, मैंने अब जो कुछ दुनिया के हवाले से मेरा ज़हन था उसे हमने पुश्तसर कर दिया है, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है कि हम पूरे दिन भर की चीज़ें जो खुली हुई होती हैं, कोई चीज़ हमारी गुम हो जाती है, सही, तो हम हालत नमाज में पता नहीं, याद आता भी है और याद करते भी हैं, है ना। ये खुद हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी कोई मासूम नहीं हूँ।
एक बार अचानक नमाज से पहले किसी का सिर्फ नंबर मैंने देख लिया, उसमें नाम नहीं था, तो पूरी नमाज में मुसीबत ये थी कि आखिर ये किसका नंबर हो सकता है। सही, तो कभी कभी ऐसे हर एक के साथ ये होता है ना। तो हमारे एक दोस्त आलिम दीन, अगर मैं इश्तेमाल ना करूँ तो गुलाम रजा रूहानी उनका नाम है, पाकिस्तान के आलिम दीन हैं। उन्होंने एक लतीफा बयान किया था और वाकई ये हकीकत भी है। 4 रकात नमाज अदा की गई एक जगह पर, और सारे मोमिनीन जितने मोमिनीन थे सबों ने 4 रकात ही नमाज समझा, और उठ के जाने लगे तो एक आदमी ने कहा कि मौलाना आपने 3 रकात नमाज पढ़ाया है, क्या भाई तुम्हारे पास दलील क्या है कि आप 3 रकात नमाज की बात कर रहे हैं? किसी ने तो एतराज़ नहीं किया, सब नमाज को मुकम्मल कर चुके हैं। बोले नहीं, मेरा चैलेंज है कि आपने 3 रकात नमाज पढ़ाया। कहा वो कैसे? कहा मेरी 4 दुकानें हैं, मैं रोजाना हर रकात में एक एक दुकान का हिसाब कर लेता हूँ, आज 3 ही दुकान का हिसाब है। सही, ये हमारी बदबख्ती है बहरहाल। यानी बिल्कुल बरअक्स, जितना हमें खुदा के हवाले हो जाना चाहिए था, हम हालत नमाज में भी बहरहाल एक खुदा से दूरी मानवी एतबार से हमारे अंदर पाई जाती। तो खुलासा एक कलाम ज्यादा तवील ना हो जाए कल की तरह, ये कि इंसान तकबीरतुल एहराम कहता है तो दुनिया व माफीहा को भुला कर तमाम रियाकारियों को बालाए ताब रख के दुनिया की तमाम खूबियों, उसके हुस्न, उसके महासिन को छोड़कर वो हाजिर होता है सिर्फ और सिर्फ खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार अब मैं तेरी बारगाह में आ चुका हूँ, अब तू जब मेरे सामने है तो दुनिया की कोई भी चीज मेरे नजदीक वैल्यू के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह खुदा तआला हम सबको सही मानों में फलसफे नमाज को समझ कर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि अत्तहिरीन। अल्लाह।